नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी शर्मा सिटी वेब आपके लिए लेकर आए एक ऐसी लड़की की कहानी जो देखने में बेहद खूबसूरत थी लेकिन जिसे गुस्सा बहुत आता था और गुस्से में वो किसी को कुछ भी बोल देती थी, जैसे हम भी करते हैं। गुस्सा आए तो किसी को कुछ भी बोल देते हैं, वो भी उसका भी यही हाल था। गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था किसी को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। उसकी इस आदत से उसके घर वाले बहुत परेशान थे। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि बेटी को सबक सिखाना पड़ेगा और उसके पिताजी उसके पास कुछ कीले और एक हथौड़ा लेकर आए और बेटी को कहा कि बेटा जब भी तुम्हें गुस्सा आए और गुस्से में तुम किसी भी इंसान को गलत बोलो तो एक कील उठाकर दीवार में ठोकनी है। हम ये एक्टिविटी एक महीना करेंगे और एक महीने तुम्हें अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा, उसके बाद तुम गुस्सा कर सकती हो। तो बेटी ने कहा ठीक है पिताजी, हम ऐसा कर लेते हैं। तो जब भी लड़की को गुस्सा आता और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलती, वो एक कील उठाकर दीवार में ठोकने लगी। धीरे धीरे ऐसा हुआ। पहले दिन उसने 30 किले ठोकी, उसके बाद थोड़ी कम, उससे कम, उससे कम। 15 दिन के अंदर उसने बहुत कम किले ठोकना शुरू कर दी। फिर उसके पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, थोड़ा अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस पे हो, तो अब एक काम करो कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए लेकिन तुम गुस्से में किसी इंसान को गलत ना बोलो, उस दिन अपने द्वारा ठोकी हुई एक कील को दीवार में से निकालना है। बेटी मान गई। बेटी ने कहा ठीक है पिताजी। धीरे धीरे लड़की अपने गुस्से पे कंट्रोल करने लगी। एक महीने के अंदर उसने सारी किले निकाल दी दीवार से। तो पिताजी ने देखा और बेटी बहुत खुश हुई। उसने बोला कि पिताजी आज तो मैंने कर दिखाया और अब मैंने गुस्से पे कंट्रोल इतना करना सीख गई हूँ कि मैंने सारे कीले दीवार से निकाल दी। तो पिताजी ने देखा और पिताजी उसे दीवार के पास ले गए और बोले कि देखो बेटा, इस दीवार को देखो, क्या दीवार पहले की तरह खूबसूरत दिख रही है? बेटी थोड़ा अचंभे में उसने देखा कि हाँ पिताजी, बात तो आप सही कह रहे हो, दीवार तो पहले जैसी नहीं है। तो पिताजी ने उसे सबक सिखाया और बोले कि बेटा यही हाल हमारे रिश्ते में होता है। जब हम रिश्ते में किसी को भी गुस्से में किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, हम वो बात कहकर शायद सॉरी बोल सकते हैं, थोड़ा बाद में गिल्टी भी फील कर सकते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता पहले की तरह नहीं रह पाता। कहीं ना कहीं हमारे उस अच्छे रिश्ते पर भी, उस सुंदर रिश्ते पर उन कीलों का और हमारे उस गुस्से के निशान रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता बहुत प्रभावित होता है। दोस्तों हमारे साथ भी यही होता है, जब हम हमेशा गुस्सा उस व्यक्ति पे करते हैं जिस पे हम गुस्सा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में हो, आपके बॉस आप पे गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें कुछ नहीं बोल सकते, तो आप उसका गुस्सा किस में निकालेंगे? घर जाकर अपने बहन भाई पर, अपने बच्चों पर, बीवी बच्चों पर, क्योंकि वो आपका गुस्सा झेल सकते हैं। तो दोस्तों अपना गुस्सा और जुबान को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर हमारे रिश्ते पर पड़ता है। बस मेरी कहानी से मैं आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, अपने रिश्ते को अच्छा रखिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगली बार फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू दोस्तों।